नमस्कार दोस्तों, हार्वेस्ट एंड कुक में आपका स्वागत है। आज हम हार्वेस्ट करेंगे राइप जैकफ्रूट और बनाएंगे इसका मोदक यानी डम्पलिंग। हमने जैकफ्रूट ट्री को 8 साल पहले बीज से उगाया था। 5 साल बाद इस पेड़ से हमने फर्स्ट फ्रूट को हार्वेस्ट किया था। ग्राफ्टेड वेराइटी ना होने के कारण इसे जमीन पर लगाना पड़ा। जैकफ्रूट पकने के बाद इनके कांटे दूर हो जाते हैं और अच्छा सा सुगंध आने लगता है। कच्चा जैकफ्रूट यानी कटल से सब्जी बना सकते हैं और पके हुए जैकफ्रूट से कई तरह के स्वीट्स बना सकते हैं। इसके लीव्स का बास्केट बना के इडली स्टीम कर सकते हैं। जैकफ्रूट को काटने से पहले हाथों में और नाइफ को तेल लगाइए। इनके सीड्स भी उबाल के या फ्राई करके खा सकते हैं। देखते हैं जैकफ्रूट डम्पलिंग बनाने का विधि।